बहादुरगंज से अंजार नईमी साहब को विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं मसूर आलम साहब के आवास पर और वो भी एक प्रबल दावेदार थे, उन्हें टिकट नहीं मिला है। जाहिर है उनके घर पर मायूसी है, मातम है, और उनके जो हामी हैं समर्थक यहाँ हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। आइए उनका रिएक्शन जानते हैं कि वो अब जब टिकट नहीं मिला है क्या सोचते हैं, क्या कहना है। सर प्लीज़, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। देखते हैं चैनल को हमारा जी, गांव मोहल्ला देखते हैं, सब्सक्राइब भी किए हुए हैं। अभी जो बहादुरगंज विधानसभा का जो माहौल है, जो हम लोग पूरी तरह से ये लड़ाई लड़ रहे थे कि हम लोग बहादुरगंज विधानसभा में 17 साल के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग बदहाली से उब चुके थे, हम लोग के बदलाव की मांग थी। हम लोग बदलाव के तौर पर हम लोग चाहते थे कि एक ऐसा नेता हमारे बीच में आए जो बुनियादी मुद्दे को ले जाके सदन के अंदर में बोल सके। उसी लड़ाई को, उसी मुहिम में MIM पार्टी अपने वादे इरादे के साथ जब सीमांचल में दस्तक दी, पूरे बिहार में उन्होंने ये पैगाम फैलाया कि हक और इंसाफ की बात करते हैं, हम इंसाफ की पार्टी है, हम हक की बात करते हैं। इसमें प्रोफेसर मसूर आलम साहब को उन्होंने दावत दी कि आप हमारे पार्टी में ज्वाइन हो जाइए, हम आपको बहादुरगंज विधानसभा से कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा करेंगे इस बार। लेकिन आज अचानक मानिए कल 11 बजे रात तक हम लोगों को ये बताया गया कि इंशाल्लाह टिकट आपके फेवर में है, लेकिन अचानक से सुबह 6 बजे एक ट्वीट जारी होता है हैदराबाद से, उसमें आता है कि टिकट फला किसी और के नाम से आता है। इससे ये साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि MIM के जो सदर हैं उन्होंने जो टिकट का जो यहाँ पर जो फैसला किया है ये सिर्फ प्रोफेसर मसूर आलम के हक में नहीं बल्कि बहादुरगंज के उन 34,000 वोटर को भी उन्होंने धोखा देने का काम किया है कि आपने ये साबित किया है कि MIM सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है, आप पूंजीपतियों को टिकट देने का काम। कहीं ना कहीं समर्थक में आक्रोश है, कहीं ना कहीं इनमें गम है। आइए दूसरे से बात करते हैं, क्या सोचते हैं, प्लीज़ आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी हम कहना चाहते हैं कि हम एक जी MIM का पार्टी को जो कौन सी जगह से हैं, हम टेरागा से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं। हम कहना यही चाहते हैं कि जो मुसबिर साहब हैं वो एक बेहतर कैंडिडेट थे, वो एक हमारे गरीब और मसीहा का एक रहनुमा थे, बेहतरीन रहनुमा थे, वो कुछ कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से MIM पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उनको भरोसा दिया गया, लेकिन उस पर वो पार्टी खड़ी नहीं उतरी, हम इससे बहुत नाराजगी। चलिए तो आप में भी नाराजगी है और आपका भी कहना है कि भरोसे पे नहीं उतरे। आपका नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद मिन्हाज मिश्रा। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सबसे पहली बात तो ये कहना चाहते हैं हम, ये जो हक व इंसाफ़ की जो बात कर रही है जिसका नतीजा हुआ आपको बहादुरगंज विधानसभा में आपको मिला, हमारे प्रोफेसर मसूर साहब जो पिछले दिनों में हॉकी यानी पप्पू यादव साहब की पार्टी में थे, उनको लोगों के जरिए बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब के ज़रिए से कोई मसूर साहब तक पहुँचे और काफ़ी दबाव डाला गया कि आप ओवरऑल आप क्या कहना चाहते हैं, टिकट आपके कैंडिडेट को नहीं मिला है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कल रात में जब किशनगंज गए थे, बुलाव आया किशनगंज से कि किसने बुलाया, वहाँ के MIM के ऑफिस से बुलाया, हाँ वहाँ से जब बुलावा आया कि आप लोगों के टिकट आप लोगों के इसमें हैं, और उस जुमा से पहले हम लोगों का सर्वे भी होके गया जिसमें मैंने देखा कि हम लोगों का सबसे आगे है। दूसरी बात ये आदिल साहब से मेरी बात हुई और आदिल साहब ने भी यही बात बताई कि मसूर साहब को वहाँ पर टिकट जा रहा है। और तीसरी बात कल रात की जो बात है, 11 बजे रात में जब हम किशनगंज में जब पहुंचे थे सारी दुकानें बंद थी और रोड खाली था, सिर्फ वहां पर हम थे, प्रोफेसर मसूर साहब थे और MIM के बहादुरगंज के मसूर साहब के दिल से चाहने वाले लोग थे, वहां पर खड़े होकर सबको इंतज़ार कर रहा था कि सिंबल हमको कब मिल रहा है। और हम फ़ोन कर रहे थे जब तो वहाँ के लोग कह रहे थे, MIM के जो बिहार के लोग हैं वो कह रहे थे कि प्रोफेसर साहब को ही जा रहा है, कल सुबह 10 बजे अलाउंस। कौन लोग कह रहे थे आपको? ये अख्तर साहब के लोग हैं, ये आदिल साहब है, एडवोकेट आदिल हुसैन जो बल्लामपुर के हैं, लेकिन वो किशनगंज के ज़मीन में आकर ये दुगला बानी जो कर रहे हैं, उनके आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सच्चाई पर आने की कोशिश करो। अगर तुम सोचते हो कि एक पार्टी को लाकर हम बड़े बन रहे हैं तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। सीमांचल ये वो इलाका है जो कभी झूठों को और दलालों को यहाँ पर जगह नहीं देती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, प्रोफेसर मसूर साहब कोई आम आदमी नहीं है साहब, प्रोफेसर मसूर साहब पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। अगर प्रोफेसर मसूर साहब को अगर पैसा कमाना था, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि तस्लीमुद्दीन साहब के राइट हैंड कहने वाले थे, और प्रोफेसर मसूर साहब को माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी से भी बुलावा आया था, लेकिन हम लोगों ने पूरी दबाव बनाया कि इस आपको जाना नहीं है। और अख्तरुल ईमान साहब का जो वहाँ से जो आदेश था कि आपको हमारे पार्टी में आइए, हम आपको टिकट दे रहे हैं, लेकिन वो कल रात 11 बजे रात तक वो हमको किशनगंज में रुकवाया, और उससे पहले यानी BPR के रोज़ उस वक्त तो हम
तीन बजे तक किशनगंज में खड़े हुए थे जबकि सारी दुकानें बंद थी, और उस वक्त भी हमें यही आश्वासन दिया गया, भरोसा दिया गया कि आप लोगों को टिकट जाया रहा। मैं कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, प्रोफेसर मुसव्विर साहब चुनाव के मैदान से भागे नहीं हैं, 2010 से वो मैदान में टिके हैं, और जब से वो चुनाव लड़ना शुरू किए हैं उस दिन से लेकर आज तक वो चुनाव के मैदान में है। आप किस बुनियाद पर मुसव्विर साहब को आप छांटे हैं, मुझे आप ये बात बताइए। चलिए, ये एक अहम सवाल है इनका, ये मिन्हा साहब ना, जी हाँ मिन्हा साहब है भाई, गांव मोहल्ला के जरिए मजलिस के जिम्मेदारों से पूछना चाहते हैं कि किस बिना पर मुसव्विर साहब का टिकट काटा गया है। मुझे उम्मीद है कि इसको लेकर के जो जिम्मेदारान हैं उनको स्पष्ट करना चाहिए कि साहब किन सलाहियतों के बिना पर उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। कौन बोल रहे हैं? जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, लोग तो पहले कहते थे कि बीजेपी का बी टीम है, आज लेकिन ये साबित हो चुका है कि बीजेपी का बी टीम है। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो टीम है जो आप बीजेपी को फायदा करने का काम करते हैं। अन्याय न्याय नहीं, अन्याय हुआ है। हमारे बेस्ट लीडर प्रेजेंट विधायक को डराने वाले, यानी कि वो मैदान छोड़ के भागने वाले को, वो उस लीडर को आज MIM ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। और ये अख्तरुल ईमान जो है, इनके नाम के पीछे बैबान लगना चाहिए, ईमान नहीं, बहुत बड़ा बैबान है ये। इसलिए बैबान है क्योंकि जब मुसव्विर साहब जन अधिकार पार्टी में थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, इतने बड़े पद में थे, और लोगों का पिछले 2015 में 34,000 वोट लाकर इन्होंने साबित कर दिया कि महागठबंधन के खिलाफ भी मैं पब्लिक, यानी लोगों का, जनता का इतना प्यार है मेरे पास कि मैं 34,000 वोट लाया। फिर भी 2000 जब कुछ दिन पहले अख्तर साहब का दबाव आया और पार्टी ज्वाइन करवाने के बावजूद भी ये आश्वासन दिया, बार बार बोला गया कि मैं टिकट आपको ही दूंगा, तब मुसव्विर साहब ने पार्टी ज्वाइन किया, फिर भी ये धोखा दिया अख्तरुल ईमान। ये अख्तरुल ईमान ही बेईमान है, इन्होंने 2 करोड़ रुपया लेकर पार्टी यानी कि पैसे वाले को टिकट दिया है। बहुत जल्दी ये गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि 2 करोड़ का लेकर के डील हुआ है। अभी जो ये MIM की जो यहाँ पे लड़ाई है, तो यहाँ पे उसका पहले से ही लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे वो मछुआरी करने ज़्यादा आया था। हर एक विधानसभा से वो 4-5 प्रत्याशी को अपना भावी प्रत्याशी के रूप में डाल दिया फील्ड में, और उसी को चुना वो। आप देख सकते होंगे जितने भी सीट पर वो कैंडिडेट्स को नियुक्त किए हैं, उनमें से सब कोई पूंजीपति वाले हैं, किसी भी गरीब तबके के नेता को उन्होंने टिकट देने का काम नहीं किया। इसका सबसे बड़ा काम यह है कि ये गरीबों की नेता, जो गरीब लेवल के लोग हैं, जो समाज की सेवा करते हैं, उसको ये हटाना चाह रहे हैं और पूंजीपतियों को लाना चाह रहे हैं। इसका बिल्कुल इसका एजेंडा वैसा ही जैसा बीजेपी का है, बीजेपी जैसे अडानी अंबानी को प्रमोट कर रहा है वैसा ही यहाँ पे मीम कर रही है, आप देख रहे हैं खुलेआम। चलिए, तो ये सीधा सीधा आरोप, और ये सारे के सारे प्रोफेसर मुसव्विर साहब के समर्थक लगातार मुखालिफत कर रहे हैं, लगातार जो है अपना एहतजाज जता रहे हैं। गांव मोहल्ला के लिए बहादुरगंज से निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट।